आज की रेसिपी में आप सबके साथ जो शेयर कर रही हूँ चना दाल और सोया बड़ी की। इन दोनों की रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। अगर घर में कोई सब्जी ना हो समय से तो इसे ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी बनती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं लगभग आधा कप चना के दाल 6-7 घंटे के लिए भिगा दी थी पहले अच्छे तरीके से धोकर, और ये गर्म पानी ली हूँ, लगभग 1.5 गिलास पानी है। इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल दे रही हूँ। नमक को मिलाकर इसमें मैं सोया बड़ी को डाल दे रही हूँ। 1 कप सोया बड़ी ली हूँ। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से चना दाल और सोया बड़ी ले सकते हैं। नमक इसलिए डाल दी हूँ कि सोया बड़ी जब पानी सोखेगी इसके अंदर थोड़ा नमकीन जाएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। इसे मैं 5-7 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ, इतने में फूल जाएगी, और चना दाल के पानी निकाल दे रही हूँ। इसे मैं 6-7 घंटे के लिए भिगाई थी, चाहे तो ओवरनाइट के लिए भी भिगा सकते हैं। कुकर में डाल दी हूँ चना दाल, 1 छोटा चम्मच नमक और 1 तेज़पत्ता, 1 इंची दालचीनी का टुकड़ा भी डाल दी हूँ, और 1/2 चम्मच इसमें हल्दी डाली हूँ ताकि दाल में कलर अच्छा आए, और 2 कप इसमें पानी डाल दूँगी। कुकर बंद करके इसे 3-4 सीटी आने तक पकने देंगे। जब पहली सीटी आ जाए तो गैस का फ्लेम लो मीडियम करके इसे 3-4 सीटी आने दें, इतने में पक जाएगी। कुकर ठंडा होने देंगे तब खोलेंगे। तब तक हम इसके लिए एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। 1 मिक्सी के जार ली हूँ, 2 चम्मच भर के साबुत धनिया ली हूँ जार में डाल दी हूँ, और 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ, और इसमें मैं 10-12 लहसुन की कलियाँ डाली हूँ। यदि आप लहसुन ना खाते हों तो ना डालें। 1 इंची अदरक का टुकड़ा डाल दी हूँ, 1 हरी मिर्च डाली हूँ, 6-7 दाना काली मिर्च डाल दी हूँ, अच्छा टेस्ट आता है, और बड़ी इलायची 1 डाल दी हूँ। थोड़ा सा पानी डालकर मसाला पीस लूँगी। अगर ताज़ा मसाला ऐसे पीस के डालेंगे ना तो रेसिपी का स्वाद दुगना हो जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। तो ये देखिए मसाला पीस कर मैं तैयार कर ली हूँ। पीसते वक्त अगर दिक्कत हो तो 1-2 चम्मच पानी और डाल दें। पहले ही ज़्यादा पानी डाल देंगे तो महीन नहीं होगा, पहले थोड़ा पानी डालकर पीस लें, उसके बाद 1-2 चम्मच पानी और डाल दें। 1 बर्तन में मसाला मैं निकाल ली हूँ। ताज़ा मसाले के बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है, और ये हमारा सोया बड़ी भी फूल के अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। 5-7 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो ये फूल जाती है, एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है, काफ़ी जूस इसके अंदर हो जाता है। देखिए 1 बर्तन में इसे पलट देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसका पानी निचोड़ देंगे। पानी इसलिए निचोड़ना है कि जब हम इसको डालेंगे मसाले में ना तो पहले से पानी भरा रहेगा तो मसाले का पानी इसके अंदर नहीं जाएगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए पानी को निचोड़ देना है। इसे अलग रख देंगे पानी निचोड़ के, और हमारी दाल भी पक चुकी है, कुकर भी ठंडा हो गया है। दाल को 1 बर्तन में मैं निकाल ले रही हूँ, एकदम गल गई है अच्छे तरीके से, दबा कर मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए बढ़िया गल चुकी है दाल। दाल को साइड में रख देंगे। 1 दूसरे बर्तन में 1/2 कप दही ले रही हूँ। दही अगर आपको खट्टा पसंद हो तो खट्टा दही ले सकते हैं। इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और जो मसाला भी ताज़ा पीस के रखी थी ना उसे 1 चम्मच डाल दी हूँ। दही में थोड़ा मसाला मिलाकर जब डालेंगे ना तो दही फटता नहीं है, नहीं तो कढ़ाई में जब डालेंगे गर्म होकर दही फट जाता है। और 1 चम्मच भर के इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, कलर अच्छा आता है, तीखा नहीं होता है ज़्यादा। वैसे मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं या रेगुलर के जो लाल मिर्च पाउडर आता है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस पे मैं एक कढ़ाई रखी हूँ, इसमें सरसों का तेल डाली हूँ 1 बड़ा चम्मच। जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें मसाले डाल दें। 1/2 चम्मच में जीरा डाली हूँ, 1/2 चम्मच सरसों डाल दी हूँ, और 1/2 चम्मच सौंफ डाली हूँ। हल्का सा कलर चेंज हो जाने देंगे, और इसमें 1 तेज़पत्ता भी डाल दी हूँ, और ये बड़ी इलायची है खोल के डाली हूँ, इसके दाने निकाल कर डाल दी हूँ। हल्का सा मसाला पक चुका है, गैस लो मीडियम रखें, नहीं तो मसाले सूखे हैं जल्दी जल जाएंगे। इसमें मैं 1 पिंच हींग भी डाली हूँ, हींग से बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है, और 1
मीडियम साइज के प्याज में धोकर काट के रखी थी उसे डाल दी हूँ। प्याज को भूनेंगे, इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाए तब तक, तभी टेस्ट बढ़िया आएगा। हल्का सा चेंज हो रहा है कलर, अब देखिए बिल्कुल कलर बदल चुका है। जब इस तरह से इसका कलर हो जाए तब इसमें डाल दें आलू। में दो मीडियम साइज के आलू छील कर काट कर धो कर रखी थी। आलू को 5 मिनट तक भूनेंगे, इसका कलर चेंज हो जाए तभी बढ़िया टेस्ट आएगा। कलर इसका चेंज हो चुका है, इसमें हम पिसा हुआ मसाला डाल देंगे, जो अभी ताज़ा मसाला पीस के रखी थी। मसाले को इतना भूनेंगे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, तेल के साथ बढ़िया भूनेंगे, बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इसमें सोया बड़ी डाल दे रहे हूँ, सोया बड़ी बाद में डालें, जब मसाला बढ़िया से भुन जाए तब डालें। इसे भी मिला लेंगे अच्छे तरीके से, 2-3 मिनट तक भूनेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखी हूँ मैं। जितना अच्छे से मसाला भूनेंगे उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा इस सब्ज़ी में। बढ़िया से मिल चुका है, ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि ताज़ा मसाला पीस के डाली हूँ और जो दही मसाला मिलाकर रखी थी ना उसे भी डाल दी हूँ। अब इसे भी भूनेंगे जब तक दही अच्छे तरीके से सूख ना जाए, नहीं तो दही का टेस्ट अलग आएगा। अगर आप खट्टा पसंद करते हो तो खट्टा दही डाल दें, और दही पसंद करते हो तो और डाल सकते हैं। देखिए दही बढ़िया से सूख चुका है, जब इस तरीके से सूख जाए तभी समझ लो कि हमारा मसाला तैयार है, तब दाल डाल दें, जो दाल उबाल कर रखी थी चने के, और जो कटोरी में दही रखी थी ना, थोड़ा सा दही का मसाला लगा था उसमें पानी डाल के मैं इसमें डाल दी हूँ। इसमें पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो, जितना ग्रेवी पसंद करते हो उतना पानी डाल दें इसमें। अच्छे तरीके से मिला दे रही हूँ, ताज़ा मसाला पीस के डाली हूँ इसलिए इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब 1 छोटा चम्मच नमक डाल दे रही हूँ। नमक ध्यान से डालें, पहले मसाले में भी नमक डाली थी। इसे कवर कर दी हूँ 3-4 मिनट के लिए धीमी आंच पे। लगभग 4 मिनट हो गया, अच्छे तरीके से पक चुका है, क्योंकि मसाला भी ऊपर आ गया है पक के। और जितना गाढ़ी आपको पसंद हो उतना गाढ़ी कर लें। इसमें 1 चम्मच भर के पाव भाजी मसाला मैं डाल दी हूँ, जो मसाला आपको पसंद हो वही मसाला डाल दें। और 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी थोड़ा मसल के डाल रही हूँ, बढ़िया टेस्ट आता है। हमारे पास इस समय पाव भाजी मसाला था तो मैं वही डालती हूँ, आपको जो मसाला पसंद हो वही डाल सकते हैं। मिलाने के बाद 2-3 मिनट और कवर कर देंगे लो फ्लेम पर, ताकि सारे मसाले का फ्लेवर आपस में घुल मिल जाए। अब बढ़िया खुशबू आ रही है, हमारी चने दाल और सोया बड़ी की रेसिपी हो गई है तैयार। अब इसे हम नीचे उतार लेंगे, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें जो खड़े मसाले हैं उसे निकाल देंगे, क्योंकि इसका टेस्ट इसमें आ चुका है, खाते वक्त अच्छा नहीं लगता है खड़े मसाले, इसलिए पहले निकाल दें। अब 1 बर्तन में निकाल दे रही हूँ, देखिए कितना बढ़िया, इसे पूरी परांठा रोटी कैसे भी खाएं, चावल के भी साथ खा सकते हैं, ग्रेवी अपने हिसाब से गाढ़ी पतली कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आ जाए तो अपने फैमिली और मित्रों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों, अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा प्लीज़। मैं आशा से निवेदन कर रही हूँ, तो मिलती हूँ ऐसी एक नई रेसिपी के साथ।